खबर हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने एक बार फिर से आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने गुड्डू जमाली और बीएसपी के कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ की है। खास तौर से उन्होंने गुड्डू जमाली ने जिस तरीके से आपको बता दें कि मेहनत करते हुए आजमगढ़ का चुनाव लड़ा और करीब 30% वोट हासिल किए, उसको लेकर उनकी दिलेरी की उन्होंने बधाई दी और कहा कि जिस तरीके से हिम्मत से लड़ा वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है। बीएसपी अध्यक्ष ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए लिखा, बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा पार्टी प्रत्याशी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा उसे आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 तक जारी रखने के संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ आजमगढ़ ही नहीं बल्कि बीएसपी की पूरी यूपी में 2024 लोकसभा आम चुनाव के लिए जमीनी तैयारी को वोट में बदलने हेतु संघर्ष और प्रयास लगातार जारी रखना है। इस क्रम में एक समुदाय विशेष को आगे होने वाले सभी चुनावों में गुमराह होने से बचना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती।